नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के चलते, पंचायती चुनाव के चलते तमाम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। उसी क्रम में यूपी की दो बड़ी परीक्षाओं को स्थगित करके नई तारीखों के बारे में क्या जानकारी, सारी अपडेट हम कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि उत्तर प्रदेश में तमाम परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। एक बार फिर से दो बड़ी परीक्षाएं स्थगित हो गई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, महिला सैन्य पुलिस भर्ती परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जनवरी 2021 में हुई सैनिक जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस भर्ती को लेकर जो रैली होनी थी वो 25 अप्रैल को होने वाली थी, जो कि सामान्य प्रवेश परीक्षा थी। फिलहाल उसको स्थगित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश साथ में उत्तराखंड के सभी जिलों में आयोजित होनी थी, उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है कि लखनऊ के छावनी स्थित एएमसी सेंटर कॉलेज में हुई थी ये परीक्षा। उसी के आधार पर यहाँ पर आपको जो रैली है वो देखने के लिए मिलने वाली थी, लेकिन फिलहाल कोविड-19 की महामारी के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। जल्दी इसकी वर्तमान परिस्थिति में सुधार की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो नई तारीखों की जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए जाएंगे। मतलब ये है कि फिलहाल ये परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जल्द इसकी जो नई तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी मतलब परीक्षा के बारे में। हम कह सकते हैं भर्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 मई को होने वाली थी बीएड प्रवेश परीक्षा, फिलहाल इसको भी यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। एएलयू के माध्यम से फैसला लिया गया है कि 19 मई को नहीं होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। 19 मई को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को फिलहाल कोरोना का जो ग्रहण है वो लग गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी समेत प्रदेश भर के बीएड कॉलेज में दाखिले के लिए प्रस्तावित यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को जो इसकी घोषणा है वो कर दी गई है। यह प्रवेश परीक्षा आगामी 19 मई को नहीं होगी, मैंने आप सभी को बताया भी था। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि जल्दी नई तारीखों की जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये साफ है कि मई के अंदर तो ये परीक्षा नहीं होने वाली है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लगातार देखते हैं, जो भी जानकारी होगी आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की यह प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी कोरोना संक्रमण के चलते, एक बार फिर से इसको यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा, जैसा कि आप सभी को बताया कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो 15 मई तक टाली जा चुकी हैं, लेकिन ये 19 मई को होने वाली थी, इसको भी स्थगित किया जा चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, एक बार फिर से आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। मैंने देर रात को एक वीडियो डाला था जिसमें चार बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिली थी, उसको अवश्य देख लें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर आधी अधूरी जानकारी भी दी जाती है। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी देखेंगे अवधि बढ़ी लेकिन परीक्षा पोर्टल सही नहीं हो पा रहा है। एडेड माध्यमिक कॉलेज शिक्षक भर्ती आवेदन नहीं हो पाया, उसी को लेकर टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए दावेदारों की जो संख्या बढ़ नहीं पा रही है, सभी अभ्यर्थी लगातार परेशान है। हालांकि चयन बोर्ड पंजीकरण आवेदन की तारीख बढ़ा चुका है, लेकिन परीक्षा पोर्टल बेहद धीमा है, होने के कारण आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर चयन बोर्ड के साथ में वार्ता हुई थी, जो कि रात के वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी गया। कुछ अंश ऐसे भी थे कि उनके माध्यम से बताया गया कि एक बार फिर से जो परीक्षा की तारीखों में बदलाव होगा, और यही जानकारी मैंने आपको रात को दे दी थी, और सेम जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कि काफ़ी कम संख्या में आवेदन हुए हैं। चयन बोर्ड ने यह भी बताया था कि जो उनके सर्वर की फिलहाल कैपेसिटी है 20 से 25 हज़ार के आसपास है, ऐसे में चयन बोर्ड को एक बार फिर से जो आवेदन की समय सीमा बढ़ानी पड़ सकती है। चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए लंबे समय के बाद में शिक्षक भर्ती घोषित की। एनआईसी की ओर से तैयार परीक्षा पोर्टल पर शुरू आवेदन की रफ्तार को देखते हुए, लेकिन चयन बोर्ड के पंजीकरण 21 तारीख को होने की संभावना कम देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे में एक बार फिर से जो आवेदन की तारीखें बढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में जानकारी मैंने कल आप सभी को भी दी थी कि चयन बोर्ड का कहना है कि जल्द इसको लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा, साथ ही और भी तमाम जानकारी आपको दे दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है CHSL 2021 एग्जाम के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित करने का जो आदेश है वो सरकार के माध्यम से जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं, उन्हीं को लेकर इस वीडियो में हम बात करते हैं।
एसएससी के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एक परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच में छात्र इस चीज़ को लेकर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि परीक्षा दें। उसी को लेकर परीक्षार्थियों के माध्यम से मुहिम शुरू की गई है, जो कि परीक्षा रोकने की मांग है वो उठाई जा रही। परीक्षाओं को लेकर छात्रों का कहना है कि फिलहाल परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। युवाओं के माध्यम से ट्विटर वार भी लगातार चलाया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा स्थगित करने की मांग उठने लगी है। परीक्षा शुरू होने के बाद से देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा रोके जाने के लिए ट्विटर पर हैशटैग भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पोस्टपोन एसएससी सीएचएसएल हैशटैग देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें एसएससी के माध्यम से, अभी तक कोई भी आधिकारिक चीज़ें जारी नहीं की गई हैं, लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं को लेकर तमाम समस्याएँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। कई राज्यों के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात लगा दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन जारी है और भी तमाम समस्याएं हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा को स्थगित करने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई लगातार ट्विटर पर। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी के माध्यम से, आधिकारिक तौर पर ना तो कोई बयान जारी किया गया है और ना ही परीक्षा स्थगित के बारे में कोई जानकारी दी गई है। अगर कोई अपडेट होगी तो आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों का कहना है कि फिलहाल परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करके जल्द परीक्षा निर्णय कराने का जो फैसला लिया जाए, जब कोरोना संक्रमण थोड़ा सा धीमा पड़ जाए। तो ऐसे में आप सभी की राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। उसी को लेकर यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए परीक्षा के बारे में, बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे, सर एनडीए परीक्षा भी होने वाली है, लेकिन ऐसे में प्रदेश के अंदर लॉकडाउन में किस प्रकार छात्रों की आवाजाही देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है कि जो आपका प्रवेश पत्र होगा, साथ में जो आपकी आईडी होगी, वही आप सभी का जो पास है वो माना जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रविवार को लॉकडाउन तो लगा हुआ है, लेकिन ऐसे में प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन रविवार को ही संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एनडीए परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। जो भी छात्र सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी के लिए आवश्यक ये है कि आप सभी के पास में आपका जो प्रवेश पत्र होगा उसी को दिखाकर आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। हालांकि समस्याएं थोड़ी सी हो रही, लेकिन परीक्षा को स्थगित करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। कल भी सरकार के माध्यम से बताया गया था, अगर कोई परीक्षा होती है तो आईडी के तौर पर आप सभी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उनको यहाँ पर नहीं रोका जाएगा। तो एनडीए परीक्षा यहाँ पर आप सभी के सामने होने वाली, जो कि 88 केंद्रों पर होगी। लगभग 34,787 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा में बैठने वाले हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। वहीं दूसरी तरफ बात करें परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि 6 महीने के बाद भी नहीं मिली नौकरी, मामला क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। प्राथमिक स्कूलों के अंदर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर 103 अभ्यर्थी परिणाम आने के 6 महीने बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया गया है। ऐसे में लगातार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जाकर 28 सितंबर को पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया था, और उसके बाद से लगातार छात्रों के माध्यम से तमाम यहाँ पर जो याचिकाएँ फाइल की गई, और लगातार तीसरी बार मूल्यांकन के बीच में अमेठी के समरजीत राव का कहना है कि यहाँ पर सरकार की लेट लतीफी के कारण सफल अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण देखने के लिए मिल रहा है, साथ में आर्थिक शोषण भी है। पहले बैच की ज्वाइनिंग जहाँ सितंबर 2018 में हो गई है, वहीं अफसरों की लापरवाही के चलते 103 अभ्यर्थियों को लेकर पूरा बेसिक शिक्षा विभाग या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सभी के सभी इस चीज़ को लेकर दोषी हैं। छात्रों का कहना है कि जल्दी से इन 103 छात्रों को नियुक्तियाँ दे दी जाएँ, लेकिन शासन के माध्यम से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब ऐसे में बीच में कोरोना संक्रमण भी है, जिसके चलते छात्रों के लिए और भी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वैसे तो तमाम विवाद हैं, लेकिन एक विवाद ऐसा भी जो अभी तक सुलझा नहीं है, जो कि उत्तर कुंजी को लेकर। उसी क्रम में उत्तर कुंजी का फैसला आने के बाद में कराई जाए काउंसलिंग, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची जारी करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से पिछले दिनों बयान जारी किया गया था। अभ्यर्थी परेशान है कि गलत प्रश्नों को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर छात्रों का कहना है कि फरवरी में हाईकोर्ट के माध्यम से ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर है वो डिलीवर नहीं किया गया है।
जानकारी जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताई थी कि कोर्ट फिलहाल बंद है कोरोना संक्रमण के चलते, तो ऐसे में बेंच के ना बैठने की वजह से भी आपके ऑर्डर के बारे में ना तो कोई जानकारी मिल रही है और ना ही ऑर्डर के बारे में अभी तक ये क्लियर हुआ कि कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे में उत्तर कुंजी वाले छात्रों के माध्यम से लगातार सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी या फिर बेसिक शिक्षा परिषद जाकर इसकी जो मांग है वो की जा रही है कि जब तक रिवाइज आंसर की का फैसला नहीं आ जाता तब तक थर्ड चयन सूची जारी ना की जाए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी छात्रों के माध्यम से इंतजार किया जाए कि थर्ड चयन सूची जारी कर दी जाए और ऐसे में उम्मीदें भी देखने के लिए मिल रही थी कि जल्द आपकी जो थर्ड चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि शासन के माध्यम से 14 तारीख तक अंतिम पत्र जारी किया गया था, उसके बाद में आज 18 तारीख होगी, अभी तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। तो उम्मीदें थी कि सभी रिक्त पदों का डाटा शासन के पास में आ गया होगा, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन की लेट लतीफी के चलते ही 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल से ऊपर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वैसे तो ये मैंने आप सभी को रात को आकर के बता दिया था, लेकिन काफ़ी छात्रों ने देर रात को वीडियो शायद नहीं देखा होगा। यहाँ पे आप सभी देखेंगे 7 जनपद के लापरवाह BSA के माध्यम से थर्ड चयन सूची को लेकर जो डाटा है वो अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में लगातार छात्रों के माध्यम से तमाम BSA से मुलाकात देखने के लिए मिली है। यहाँ पर जानकारी ये भी बताई गई है कि लगातार यहाँ से BSA से जो डाटा की जो मांग है वो की गई थी 14 तारीख को, जो कि शाम 4 बजे तक था, लेकिन इनकी लापरवाही के चलते अभी तक कोई डाटा नहीं भेजा गया है। इसी वजह से थर्ड चयन सूची की जो प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि शासन के माध्यम से अभी तक कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया है, संभवतः कल तक आप सभी के सामने कोई पत्र जारी होने की संभावना है, फिर उसमें 4 से 5 दिनों का समय दे दिया जाएगा, फिर सचिव के माध्यम से क्या होगा वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि BSA कहीं ना कहीं लापरवाही तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि थर्ड चयन सूची कब जारी होगी। पहले उम्मीदें थी कि इस हफ्ते आपको कुछ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अब उम्मीदें ये हैं कि अगले हफ्ते भी काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। मामला ये है कि अभी तक 7 जिलों के माध्यम से डाटा नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि इस मंगलवार या बुधवार आप सभी के सामने डाटा आ भी जाता है तो आगे की प्रोसेस में 3 से 4 दिनों का समय लगना लगभग शेष है। मतलब जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि अगला हफ्ता भी पूरा निकल जाएगा थर्ड चयन सूची के लिए अगले हफ्ते के अंत में, या फिर उससे अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में आपको कुछ देखने के लिए मिल सकता है। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं शासन के अधिकारी या फिर BSA के माध्यम से की जा रही है। समझ के परे तो ये भी है कि सचिव की बातें नहीं सुनी जा रही, आखिर मामला क्या है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलता है। BSA के पास में जो भी डाटा होता है उनके माध्यम से दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी बार बार यहाँ पर डाटा को लेकर जो मांग है वो की जा रही है, लेकिन जैसा कि आप सभी देख पाए रिजल्ट बिल्कुल 0 है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो।